तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करते हैं फाइवर से। तो अब फाइवर का बताता हूँ आपको बेसिक। सबसे पहले तो अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि हम इस पर फाइवर पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो आप पहले फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे, फाइवर की वेबसाइट को गूगल पे ओपन कर लेंगे और बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल आईडी इस पर लॉगिन कर लेंगे। जैसे कि मैं कर लेता हूँ, अपनी जी मेल आई डी से आपने इस पर अकाउंट बना लेना है। और मैं कोई भी रैंडम सा नाम चूज़ कर लेता हूँ, मिस्टर राजपूत जाना लिख लेता हूँ। हो गया। पासवर्ड आपने अपनी मर्ज़ी का सेट कर लेना। तो ये अकाउंट बन गया। अब मेन चीज़ है आप जाके आईडी को एक्टिवेट करना है, जो आपकी जीमेल पे लिंक आया होगा तो उसको जाके सबसे पहले एक्टिवेट करना है। उधर से एक्टिवेट हो जाएगा, इधर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। तो जाके अपने स्पैम वाले फोल्डर में देखिएगा या फिर इनबॉक्स में आया होगा। मैंने जीमेल ही गलत लिख ली है। PQK अब आया जी। अब इसको एक्टिवेट करते हैं। तो थोड़ा ये टाइम ले रहा है। इसकी एक्टिवेशन अब तक हो जानी चाहिए। तो एक्टिवेट करने के बाद आपने डैशबोर्ड में आ जाना। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने अपने प्रोफाइल को सेटअप करना है। जैसे प्रोफाइल को सेटअप करना है तो अपडेट नाउ पे चले जाना। ये आपको अपनी पहले पिक्चर जैसे अपने अपलोड करनी है। प्रोफेशनल टाइप की पिक्चर हो, अट्रैक्टिव हो, लोग देखेंगे कि प्रोफेशनल वर्कर। अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद हम इसकी प्रोफाइल को सेटअप करना है। जो जो चीज़ें उन्होंने रिक्वायर की हुई हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी डी बनाने के लिए, सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी पड़ेगी। तो इस पर बस कंटिन्यू करने के बाद ये आ गया जी। आपका पहले फर्स्ट नेम, आपका पूरा नेम पूछ रहे हैं जी, तो आपने उसको अपना नाम बता देना जी। पिक्चर भी आपको अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। बाद में भी हम अपनी प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं, पर बस मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना फाइवर पे, क्योंकि बिजनेस के लिए फाइवर पर ही है। अगर प्रोफेशनल है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपवर्क में और guru.com वगैरह पे ना। उधर इधर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है 150 वर्ड्स की। तो आपने बताना है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपके लिए कूल प्रोजेक्ट कौन से हैं कम्प्लीटेड, क्या आपने अपनी पूरी एक्सपर्टीज बताना, आप किस में काम कर रहे हैं और किस में वर्क कर रहे हैं। तो उस पर आपने अपना काम बताना, तो उस पर आपने अपना वर्क करना है। तो हम इधर से डिस्क्रिप्शन कोई भी उठा के कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इधर इधर लिखें और टाइप करें। तो इधर से कोई भी उठा के लाइन पेस्ट करके उधर लिखना है कि आई एम, जैसे कि मैं हूँ आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर, आई वर्क ये करता हूँ ये जिस चीज़ के साथ मैं काम कर चुका हूँ, वही सब कुछ इधर आपने बताना है। तो लिखने के बाद आपने लैंग्वेज बतानी है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है, तो आपने इस पर वर्क करना है। उसके बाद आपकी ऑक्यूपेशन कौन सी है, आप किस पर काम कर रहे हैं, राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग मैं वही करूँगा। कहाँ कितनी देर तक आप कर चुके हो सर्टिफिकेशन, कौन कौन सी फील्ड्स में काम किया, वेब ट्रैफिक, वीडियो मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इनमें वर्क किया। स्किल कौन कौन सी हैं, जैसे मेरे पास स्किल्स है SEO, एक्सपीरियंस लेवल मेरे पास इसका एक्सपर्ट है, तो मैं इस पर ऐड कर दूँगा SEO एक्सपर्ट, ऐड कर दिया। एजुकेशन का ऐड करना चाहो कर लो, नहीं तो ना सही। स्कैट सर्टिफिकेट का ऐड करना चाहो तो कर दो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं। जैसे मेरे पास सर्टिफिकेट है
फ्रीलांसिंग का, तो मैं बता दूंगा कहाँ से किया जी, विर्चुअल विर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया जी। ईयर कौन सा था जी, 2020 ऐड कर दिए। और भी अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो ठीक है, वगरना कंटिन्यू करके आगे। सोशल प्रेजेंस आपको फेसबुक कनेक्ट कर दें, ट्विटर कर दें, गूगल कर दें, जो सा मर्जी कर दें। 65% हम अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, आप डिपेंड करता है। उसके बाद ईमेल तो वेरीफाइड है, आपने फ़ोन नंबर को वेरीफाइड लाजमी करना है। फ़ोन नंबर को वेरीफाइड करेंगे तो आपका पूरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी पहली गिग बना सकेंगे। तो ये था जी फाइवर का क्रिएशन, कि आपने कैसे इस पर वर्क करना है, फाइवर पे कैसे आपने स्टार्ट करना है। इसके बाद फिर गिग बनाएंगे, गिग आपको तब बनाएंगे जब आप लोग स्किल सीख लेंगे। तो इसलिए पहले इसके बाद फिर हम स्किल की तरफ चलेंगे, बल्कि आपको इसके बाद मैं बताऊंगा फाइवर के कीवर्ड्स का कि कैसे आपने सर्च करना है, फाइवर के टूल्स का कि कौन कौन से टूल आपने असेस करना है इसके लिए। तो इसलिए पहले आपको इसके बाद फिर आपको कीवर्ड सर्च का बताऊंगा, कीवर्ड कैसे ढूंढने हैं, कैसे आपको गिग में ऐड करने हैं। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको मैं फ्रीलांसिंग के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको स्किल जब सीख लें तो आपको अप्लाई करने में ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। तो ये था जी फाइवर का एक इंट्रो ही कह लें, तो इस पर आपने फाइवर पे वर्क करना है। तो आप उसको जब देखें तो घर में भी ज़रूर इसको ओपन करके इस पर प्रैक्टिस करें, इस पर काम करें, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, इसके बारे में थोड़ा जानें, क्योंकि हर कोई इसके बारे में जान रहा है, जिनको नहीं पता उनको भी चाहिए कि वो इसके बारे में थोड़ा वर्क करें, थोड़ा देखें कि क्या चीज़ है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कीवर्ड्स के बारे में, फाइवर के कैसे आपने गिग को रैंक करने के लिए कीवर्ड्स बहुत एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए कीवर्ड्स को भी फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, इसको देखें और काम करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। तो रिप्लाई करके कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कैसा लगा, ताकि मैं इसको जारी रखता रहूँ और आप लोगों को टूल्स वगैरह और टिप्स और ट्रिक्स बताता रहूँ जो मैंने खुद सीखी हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना सब।